हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। देखिए, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ इस बार तैयारी कर रहे हैं, उनको अब की बार हिंदी में नहीं, सभी सब्जेक्ट में हमें 95% प्लस लेकर आना है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। आप लोगों को दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप 95% ला सकेंगे। कोई हलवा नहीं है भैया, खा लिया आपका 95% आ गया, ठीक है। आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अब तो आपका एग्जाम का लास्ट टाइम आ चुका है, अब आपको और अच्छे से तैयारी करना है और तैयारी मैं आपकी पूरी करवाऊंगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी। और आपको 100 में 95% दिलवा कर रहूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी 2024 के ये हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कमेंट कर रहे थे, सर अब की बार आपठित गद्यांश आया है हमारे एग्जाम में, ठीक है, हमारे हिंदी के पेपर में, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये नया टॉपिक है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आपठित गद्यांश भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। ये वीडियो बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी पढ़ेंगे, यानी कि 6 टॉपिक हम एक वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए नीचे लिखा है 6 टॉपिक एक वीडियो में, अब 6-6 टॉपिक एक वीडियो में रहेगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ही क्रूशियल टाइम है ये आपका, इसको यूज कीजिए, मिस यूज मत कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वो कौन कौन से 6 टॉपिक हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियों को, जो कि 2 नंबर का आता है। फिर पढ़ेंगे आपठित गद्यांश, जो कि 5 नंबर का आता है, ठीक है। यहां पे संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन होता था, अब आपठित गद्यांश आ गया है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, सर कहीं कहीं तो संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन भी दिया है। तो समझ लीजिए वो पुरानी बुक है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड द्वारा अब की बार जो सिलेबस लॉन्च किया गया है, जो मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है, उसमें आपठित गद्यांश को ऐड किया गया है। तो जिस बुक में संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन भी दिए हैं, समझ लीजिए भैया वो पुराना स्टॉक है, ठीक है, बचकर रहना रे बाबा। तीसरा देखिए, शब्द युग्म हम पढ़ेंगे, 2 नंबर का आता है। फिर शब्द अर्थ 2 नंबर, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर, फिर वाक्य संशोधन 2 नंबर। टोटल नंबरिंग किया जाए तो 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13 and to 15। 15 नंबर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए ऐसे ऐसे ही आपको पढ़ना होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होगा। मतलब आपको अगर ऊंचाइयों को हासिल करना है तो एक एक सीढ़ी चढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में आप पूरे हिंदी की तैयारी कर लेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जब जब आप काम करेंगे, आप ऊंचाइयां हासिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियों को, फिर हम पढ़ेंगे अपने नए टॉपिक आपठित गद्यांश को। ऐसे सीरियल वाइज हम सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इसमें क्या होता है बताइए, क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका अर्थ लिखिए, वाक्य प्रयोग कीजिए, 2 नंबर क्लियर। तो कितना ज्यादा इजी है, वैसे 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, एक ही करना होगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बस आपको तैयारी अच्छे से करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसके पढ़ लीजिए, इसका 2 नंबर एकदम फिक्स है, ठीक है। देखिए मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इसमें क्या रहेगा, जैसे फर्स्ट है इज्जत मिट्टी में मिलना, इतना क्वेश्चन आपके पास रहेगा। इसका अर्थ लिखकर इसका वाक्य प्रयोग करना होगा। जैसे इसका अर्थ हमने लिखा सम्मान नष्ट होना, इज्जत मिट्टी में मिलना, इसका अर्थ होता है सम्मान नष्ट होना, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग हेडिंग डाल के लिखेंगे, बेटा तुमने तो चोरी करके मेरी इज्जत, ठीक है, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तो भैया एक पिताजी हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं बेटा तुमने तो चोरी करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब किसी का बेटा अगर भैया चोरी करेगा तो पापा को कैसा लगेगा, वो आप भी समझ सकते हैं, ठीक है। और किसी का बेटा अगर पढ़ाई करके टॉपर बनेगा तो पापा को कैसा लगेगा, वो भी आप समझ सकते हैं। दोनों ही बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन कोई बच्चा है जो चोरी करके अपने पापा का सर नीचा कर रहा है, और आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ के टॉपर बन के अपने पापा का ही नहीं पूरे देश का सर ऊंचा करेंगे, ठीक है। तो ऐसा काम करिए कि 2-4 लोग बोले, आप सर उठाकर समाज में चल सकें,
पढ़ाई करिए, टॉपर बनिए और मेहनत कीजिए, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन रहेगा, इज्जत मिट्टी में मिलना, वाक्य पहले आपको अर्थ लिखना है, सम्मान नष्ट होना, फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डालना है, बेटा तुमने तो चोरी करके मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब कोई जरूरी नहीं है कि यही वाला वाक्य आप लिखें, कोई दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं, बट जो क्वेश्चन है इज्जत मिट्टी में मिलना, ये क्वेश्चन आपके वाक्य में आना चाहिए। देखिए यहां पे आ गया, इज्जत मिट्टी में मिला दी, ठीक है, बस हो गया, एकदम सही वाक्य प्रयोग है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहाड़ टूट पड़ना, इसका मतलब होता है अत्यधिक मुसीबतें आना। पहाड़ टूट पड़ना का मतलब क्या होगा भैया? उसके यहां तो पहाड़ टूट पड़ा, यानी कि बहुत ज्यादा मुसीबत आ गई उसके घर में, ठीक है। देखिए वाक्य प्रयोग, राम के पिता की मृत्यु से उसके परिवार पर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। अब भैया राम के पिता है, या राम की जगह पर मोहन, सोहन, रोहन कुछ भी लिख सकते हैं, रमेश, महेश, ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा है, मैं पहले से ही कह रहा हूं, ठीक है, ठीक। तो देखिए, राम के पिता की मृत्यु से उसके परिवार पर मानो पहाड़ ही टूट पड़ा। अब ये राम है, उनके पिताजी हैं, अब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो क्या होगा? जो हाथ पैर थे उनके, जो उनको कमाकर खिलाते थे, उनकी मृत्यु हो गई तो उनके ऊपर मुसीबत आ गई, पहाड़ टूट पड़ा, ठीक है। तो पहाड़ टूट पड़ना यानी कि अत्यधिक मुसीबतें आना, बस हो गया वाक्य प्रयोग। राम की जगह पर मोहन, सोहन, रोहन आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस वाक्य प्रयोग सही होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब दो क्वेश्चन हमने पढ़ा, अब आते हैं अपने जो नया टॉपिक है, आपठित गद्यांश। इसका मतलब क्या होगा? आपठित गद्यांश, ऐसा गद्यांश जिसको आपने पढ़ा ना हो। हिंदी में भी एक गद्यांश आता है, हिंदी गद्य से वो आप पढ़े रहते हैं, आपके चैप्टर में दिया रहता है, बट जो आपठित गद्यांश है इसको आप नहीं देखे होंगे, ठीक है, हो सकता है देखे हो लेकिन ये आपके सिलेबस से नहीं होगा, ये समझ लीजिए। तो आपठित गद्यांश 5 नंबर का आता है भैया, इसमें करना क्या है? एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसको ध्यान से पढ़ना है। देखिए ये आपका इतना दिया गया है, आगे भी इतना दिया गया है, पहले इसको पढ़िए, फिर इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है, उसी गद्यांश से संबंधित रहेंगे। आपको करना क्या है, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है अपने आपठित गद्यांश को देखकर। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो उतारना नहीं है, बस आपको एग्जाम में ये लिखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, बस, ठीक है, सिंपल सा है। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 5 क्वेश्चन रहेंगे, आसानी से आप आंसर लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस गद्यांश को हम पढ़ते हैं। देखिए क्या है, बंगाल की सस्य श्यामला धरती का सौंदर्य अविस्मरणीय है, इसके मनोहर और उन्मुक्त सौंदर्य को प्रतिभाशाली रचनाकार अपने गीतों, निबंधों और कविताओं में बांधने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इसके मायावी और लोकोत्तर आकर्षण का रंच मात्र ही वे रूपायित करने में सफल हो पाए हैं। अविभाजित बंगाल का सौंदर्य किसी भी संवेदनशील मस्तिष्क के भीतर हलचल पैदा कर सकता है। चांदी सी चमकती मीलों लंबी नहरों और नदियों के बीच पन्नों की तरह चमकते हरे भरे खेतों के चित्र संवेदनशील मन को अपूर्व व्यानंद से भर देते हैं। हरे भरे खेतों में पके दोनों की आगे भी है, थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है, 8-10 लाइन का रहेगा। लहलाती सुनहरी फसल, हवा में फुसफुसाते लंबे ताड़ के वृक्ष और साल की पत्तियों की बहती हुई मंद मंद हवा, कंचनजंगा के उत्तुंग शिखर, सुंदर वन के घने जंगल, दीघा के सुंदर रेतीले समुद्र, ठीक है, तट और उत्तर बंगाल के हरे भरे चाय के बागान आंखों में रचे बसे हैं, ठीक है। 4 लाइन और, प्राकृतिक बाताओं से भरी पूरी ये धरती युगों से महान लेखकों, कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है। इस अनोखे वरदान के केवल वही पात्र हैं जिन्हें इस धरती पर पैदा होने का सौभाग्य मिला है, अथवा वे हैं जो अविभाजित बंगाल में रह चुके हैं। तो भैया हमने गद्यांश को पढ़ लिया, हमने तो पढ़ लिया, आपके एग्जाम में आएगा, फिर आपको अच्छे से पढ़ना होगा, हो सकता है दूसरा गद्यांश रहे, लेकिन कोई भी गद्यांश रहेगा, क्वेश्चन तो हमें गद्यांश से रिलेटेड रहेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अब हम आंसर लिखते हैं, आपको प्रश्न उत्तर संख्या डालकर आंसर लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन, किसी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं, कौन भर देते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, फर्स्ट है नदियों, नहरों और खेतों के चित्र, सेकंड है नदियों, समुद्रों और हीरे पन्नों के दृश्य, थर्ड है चांदी की चमक और पन्नों की हरियाली, और फोर्थ है फसलों और पेड़ों के मिले जुले दृश्य। तो भैया किसी संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से नदियों, नहरों और खेतों के चित्र भर देते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारा संवेदनशील मन है, अगर आप जाते हैं नदियों को देखते हैं, नहरों को देखते हैं और खेतों की हरियाली हरी भरी देखते हैं, तो आपका जो मुरझाया हुआ चेहरा है वो खिल जाता है, ठीक है, चारों ओर। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। देखिए नदियों, नहरों अविस्मरणीय है, इसी में आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है,
सारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक, नदियों लहरों का ही होगा इसमें, ऐसे आप ढूंढ के इसमें से आंसर आपको लिखना है, ठीक है। देखिए यहां पे रचनाकार अपने गीतों निबंधों कविताओं लोकोत्तर, ये देखिए, मीलों लंबी नहरों और नदियों के बीच पन्नों की तरह चमकते हरे भरे खेतों के चित्र संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली दिया है, देखिए क्या दिया है, चांदी से चमकती मीलों लंबी नहरों और नदियों के बीच पन्नों की तरह चमकते हरे भरे खेतों के चित्र संवेदनशील मन को अपूर्व आनंद से भर देते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, नदियों नहरों और खेतों के चित्र हमारे माइंड को आनंद से भर देते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा है कि लेखक की दृष्टि से बंगाल की सस्य श्यामला धरती का सौंदर्य कैसा नहीं है, मतलब जो बंगाल की सौंदर्य के बारे में इसमें बताया गया है इस गद्यांश में, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लेखक की दृष्टि से बंगाल की सस्य श्यामला धरती का सौंदर्य कैसा नहीं है, ये नहीं पूछा जा रहा है कैसा है। देखिए हमारे गद्यांश में तीन शब्द यूज किए गए हैं, अविस्मरणीय है बंगाल का सौंदर्य, मायावी भी है, आकर्षक भी है, लेकिन असामान्य नहीं है, ये आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। मतलब हमारे बंगाल का जो सस्य श्यामला दृश्य है वो अविस्मरणीय भी है, मायावी भी है, आकर्षक भी है, लेकिन असामान्य नहीं है, हमारे गद्यांश में सबका यूज किया गया है, ठीक है। देखिए अविस्मरणीय है, ठीक है, सब कुछ इसमें आपको यूज किया गया है, लेकिन जो ये देखिए आकर्षक है, ठीक है, सब कुछ इसमें है लेकिन असामान्य नहीं है, ठीक है। तो आपका इसमें से चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गद्यांश के आधार पर सही है, इसमें से कौन सा जोड़ा है, कौन सा युग्म है जो गद्यांश में दिया गया है और उसके आधार पर सही है। फर्स्ट है फसल घनी, सेकंड है समुद्र तट रेतीले, थर्ड है कंचनजंगा मंद हवा और फोर्थ है चाय बागान सुनहरे। तो समुद्र तट रेतीले ये जो ऑप्शन है ये हमारे गद्यांश की दृष्टि से बिल्कुल सही है। आप गद्यांश में जाएंगे तो समुद्र तट और रेतीले मिलेंगे। देखिए आगे हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, कोई भी डाउट हम नहीं रखेंगे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है सुंदर रेतीले समुद्र तट, ठीक है, तो समुद्र तट और रेतीले ये युग्म जो है हमारे गद्यांश की दृष्टि से बिल्कुल सही है, हमारे गद्यांश में दिया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, फाइव क्वेश्चन रहेंगे भैया, एक एक नंबर के पांच क्वेश्चन रहेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन, बंगाल की भूमि के विषय में कथन और कारण की सत्यता परखिए, मतलब आपको कथन दिया गया स्टेटमेंट और कारण दिया गया रीजन, आपको बताना है ये सत्य है या असत्य है, या फिर कथन सत्य है कारण असत्य है, ये आपको बताना है। देखिए कथन है कि ये धरती युगों से महान लेखकों कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है, ये लाइन अभी हमने गद्यांश में पढ़ा था तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा देखिए कारण, ये धरती युगों से प्राकृतिक छटाओं से भरपूर है, ये भी हमारे गद्यांश में है, ये दोनों लाइनें हैं, यानी कि कौन सा सही होगा इसमें। देखिए फर्स्ट है कथन और कारण दोनों असत्य हैं, यानी कि दोनों गलत हैं, ये गलत है, ठीक है। दूसरा है कथन और कारण दोनों सत्य हैं, यही सही होगा, हमारा कथन भी सत्य है और कारण भी सत्य है, ये दोनों लाइनें हमारे गद्यांश में दिया गया है, ठीक है, तो ये दोनों सही है, तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं, ठीक। आपके पास चार प्रकार के ऑप्शन होंगे लेकिन दोनों सही है भैया, तो दोनों सत्य ही हैं, ठीक है। पांचवा देखिए क्वेश्चन क्या है, इस गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ दिस पैसेज, ठीक है, इस गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है, इस गद्यांश जैसे आप 12th इंग्लिश पोएट्री में सेंट्रल आइडिया लिखते हैं केंद्रीय विचार, वैसे इसमें केंद्रीय विषय क्या है, किसका वर्णन इसमें किया गया, तो सिंपल सा है, फर्स्ट है बंगाल के जादू को बताना, नहीं जादू वादू नहीं बताया गया है, डोंट मैजिक, ठीक। दूसरा है अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य, तीसरा है बंगाल में बिताए दिनों की याद, और चौथा है प्रकृति का मनुष्य के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव। तो भैया इसमें बताया गया है अविभाजित बंगाल की धरती का सौंदर्य कैसा है, नदियां है, नहरें हैं, समुद्र तट के रेतीले मैदान है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें है, तो उसका सौंदर्य बताया गया है कि आखिर अविभाजित बंगाल का सौंदर्य कैसा है, ठीक है। बस ये आपका पांच क्वेश्चन रहेगा, पांचों का आंसर दीजिए, पांचों का आंसर आपको गद्यांश में मिलेगा, पांच नंबर फिक्स। अगर देखा जाए तो संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन से ज्यादा इजी हमारा ये टॉपिक आया है, गद्यांश दिया गया, गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन दिए गए, आंसर लिखिए, नंबर ले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अब तीसरे टॉपिक पर आते हैं जो कि है शब्द युग्म, शब्द युग्म का मतलब क्या होता है, दो शब्दों का जोड़ा, ठीक है,
जैसे देखिए, फर्स्ट है अंश, अंश आपको इसका सही अर्थ बताना है कि अंश का सही अर्थ क्या होगा, अंश का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, दोनों सुनने में सेम लग रहे हैं बट इनका मीनिंग अलग अलग होगा। देखिए, जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। तो का है अंकुर और हिस्सा, खा है हिस्सा और अंकुर, गा है कंधा और हिस्सा, और घा है हिस्सा और कंधा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, कंधा और हिस्सा। इस अंश का मतलब होता है कंधा, इस अंश का मतलब होता है हिस्सा, जैसे हम लोग अपने पूर्वजों के अंश हैं, ठीक है, उन्हीं के हिस्सा हैं भैया हम लोग। ठीक है, तो ये आपका ग वाला ऑप्शन सही होगा, जो पहले उसका अंत अर्थ पहले होगा। दूसरा देखिए, नियत नियति, दोनों पढ़ने में सेम लग रहे हैं बट डिफरेंस है, यहां पे ता पर छोटी का मात्रा है, यहां पे पहले में ता पर कोई मात्रा नहीं है, दूसरे में ता पर छोटी का मात्रा है। तो का है निश्चित और भाग्य, खा है आदत और भाग्य, गा है प्रकृति और गणना, घा है आदत और गणना। तो नियत का मतलब होता है निश्चित, एक नियत वेग से चल रही है और निश्चित इसका मतलब, और इस नियति का मतलब होता है भाग्य। तो आपका का वाला ऑप्शन सही होगा, निश्चित और भाग्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ठीक है भैया, हल्के में मत लेना और ना ही आप हिंदी को हल्के में लेना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे यार एक महीने बचेगा, हिंदी को तो घोल के पी लेंगे, ठीक है एक ढक्कन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हिंदी इज नॉट अ इजी सब्जेक्ट, हिंदी को आसान सब्जेक्ट मत समझिए। हिंदी तो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर इसको दिन में आप लोग एक घंटे टाइम दे देते हैं तो आप लोग हिंदी में 95% लेकर आएंगे, आपका पूरा जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा। ठीक है, ये आपके परसेंटेज को इंक्रीज करता है, तो क्यों ना इसको भी हम डेली कम से कम एक घंटे का समय तो दे ही दे। ठीक है, तीसरा देखिए, अली अली, ये अली है, आ पर ला पर छोटी का मात्रा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, का है भौरा और सखी, खा है भौरा और कली, गा है कली और भौरा, और घा है सखी और भौरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ये भौरा और सखी है। ठीक है, ये नहीं रहेगा, तो आपका का वाला ऑप्शन सही होगा, भौरा और सखी। देखिए, अली का मतलब होता है भौरा, अली का मतलब होता है सखी। ठीक है, तो तीसरे का वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, ये भी समझ में आ गया। हम चलेंगे अपने चौथे टॉपिक की ओर, जो कि है शब्द अर्थ। इसको हम कुछ और नामों से जानते हैं, जैसे अनेकार्थी शब्द। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं भैया, सिनोनिम्स पढ़ा अपने इंग्लिश ग्रामर में, वही है यहां पे हिंदी में समानार्थी शब्द या अनेकार्थी शब्द, या इसको ही शब्द अर्थ बोलते हैं, मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ हैं। एक को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे हमारे शिव जी हैं, इनको महादेव, भोलेनाथ, शंकर भगवान, सब कई नामों से जानते हैं, वही सब लिखना है। घर को हम गृह, वास स्थान, ठीक है, इन सब नामों से जानते हैं। लिख दीजिए क्या है इसमें। देखिए, घर को हम बोलते हैं निवास स्थान भी बोलते हैं, निवास स्थान, ठीक है, गृह भी बोलते हैं, ग्रह नहीं भैया, गृह, इस प्रकार से गृह लिखते हैं। ठीक है, तो निवास स्थान गृह, और वास स्थान आप या जन्म स्थान लिख सकते हैं, जन्म स्थान, ठीक है, या घराना भी लिख सकते हैं। देखिए भैया, मैं आपको तीन तीन बता रहा हूं, चार चार बता रहा हूं, आपको दो ही लिखना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये तीन चार नहीं लिखने होते, टेंशन मत लीजिए। दूसरा देखिए, शिव, शिव भगवान को हम किन नामों से जानते हैं, आप ही लोग बताए, महादेव, मैं महादेव का चेला हूं, ठीक है, महादेव। उसके बाद में हम महेश के नाम से भी जानते हैं, महेश, ठीक है, उसके बाद में मंगल के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद में सुख के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, शिव भगवान की करो पूजा, आपको अंदर से सुख, आप सुखी हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा देखिए, हाथ, हाथ को किन नामों से जानते हैं, जैसे हाथ को भी हम दो तीन नामों से जानते हैं, एक आपका हो गया सहयोग, ठीक है, जैसे इस काम के पीछे इनका हाथ है ऐसा बोला जाता है, ठीक है, सहयोग, समझ में आया, जैसे मेरे सक्सेस के पीछे इसका हाथ है, तो हाथ का मतलब सहयोग भी होता है, समझ समझिएगा यही हाथ। ठीक है, हस्त भी होता है, हस्त, जिसको हम लोग कर भी बोलते हैं। ठीक है, तो हाथ को भी हम दो नामों से जानते हैं, हस्त और सहयोग। ठीक है, तो ये हो गया शब्द अर्थ, मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। ठीक है, एक ही शब्द को हम कई नामों से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि हमारा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये क्या होता है इसको जानिए। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वैसे इसमें होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे देखिए, फर्स्ट है जो बांटा ना जा सके, उसे एक शब्द में हम क्या बोलते हैं, अविभाज्य। ठीक है, मतलब जिसे विभाजित ना किया जा सके या जिसे बांटा ना जा सके, वन वर्ड में इसको बोलेंगे अविभाज्य। ठीक है,
विभाज्य, ठीक है, अविभाज्य, ये आपका हो गया। ठीक, दूसरा देखिए, जो नहीं हो सकता, जो हो ही नहीं सकता, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं असंभव। ठीक है, जो नहीं हो सकता उसको एक वर्ड में हम लोग बोलेंगे असंभव। भैया ये असंभव है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम लोग बोलते हैं आस्तिक। ठीक है, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको हम लोग बोलते हैं आस्तिक, यानी कि ये ईश्वर में विश्वास रखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है भैया, उसको हम लोग बोलते हैं नास्तिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, ठीक है, टॉपिक नंबर 6। ठीक, देखिए क्या है वाक्य संशोधन, इसका मतलब क्या होता है, मतलब वाक्य में कुछ गलतियां होंगी, जैसे करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, सिंटैक्स आपने पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर में, वैसे इसमें वाक्य संशोधन होता है, मतलब वाक्य में गलती है भैया उसको सही करके लिखिए। जैसे देखिए, फर्स्ट है, सूर्य पूरब में निकलता था, तो बताइए सूर्य पूरब में निकलता था होगा कि है होगा। जो चीजें ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको हम पास्ट में नहीं लिख सकते। आपको मैंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जब बताया था, तो मैंने बताया था कि हमेशा सत्य रहने वाली बात या ऐतिहासिक जो तथ्य है उसमें, उसके टेंस में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ये सूर्य पूरब में निकलता पहले भी था, अब भी है और आगे भी निकलेगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग इसको पास्ट में नहीं बदल सकते। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखेंगे सूर्य पूरब में निकलता है। ठीक है, ये प्रेजेंट में भी निकलता है, कोई काम हो जाए अगर पास्ट में हो गया है अब नहीं हो रहा है तो भैया उसको पास्ट में हम कर सकते हैं, लेकिन जो चीज हो रही है आगे भी होगी उसको हम पास्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, प्रेजेंट या फ्यूचर में भी होगी। दूसरा देखिए, वह मुझे अपना शत्रुता समझता है। देखिए शत्रुता जो है ये एक विशेषता है, शत्रु समझता है ये रहेगा। ठीक है, वह मुझे अपना शत्रु समझता है। इस प्रकार से छोटी छोटी गलतियां रहेंगी, उसी को सही करना है, तो वह मुझे अपना शत्रु समझता है। ठीक है, तो है रहेगा, शत्रुता नहीं शत्रु रहेगा। ठीक है, तीसरा देखिए, मोहन ने चिट्ठी लिखा, चिट्ठी के साथ हम लिखी करेंगे, मतलब मोहन ने चिट्ठी लिखी, तो यहां पे नीचे हम लिख देते हैं मोहन ने चिट्ठी लिखी। ठीक है, अब ये आपका बिल्कुल सही होगा, तो ये आपका वाक्य संशोधन बिल्कुल सही है, मतलब वाक्य दिया जाएगा साथ में गलती भी आपको गिफ्ट के रूप में मिलेगा, बस उस गिफ्ट में से गलतियों को निकाल के सही करके रख देना है। ठीक है, तो ये आपका होगा वाक्य संशोधन। तो ये हमारा था लास्ट टॉपिक भैया, हमने पढ़ा वाक्य संशोधन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थ, शब्द युग्म, आपठित गद्यांश भी हमने पढ़ा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद में हमने पढ़ा मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इस प्रकार से हमने 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ा। ठीक है, तो 10 से 15 नंबर आपका अगर क्लियर करना है भैया, तो सबको इसके और भी क्वेश्चंस को पढ़ना होगा, जो मैं आगे आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।